दोस्तों कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू प्रोफेशन वीडियो के साथ। और आज का प्रोफेशन वीडियो है व्हीकल एसी टेक्नीशियन, या आप कह सकते हैं ऑटोमेटिव एसी टेक्नीशियन। दोस्तों मैं हमेशा ट्राई करता रहता हूँ आपके प्रोफेशन के बारे में जानने के लिए, ताकि मुझे कहीं से कुछ मालूम चले और मैं उससे वीडियो बना के आप लोगों के लिए लेके आ सकूँ, ताकि आपको टेस्ट देने में कुछ आसानी हो जाए और आपको कुछ हिंट्स मिल जाए कि आपको सामने में किस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। और इस काम में आप जैसे भाई भी हैं जो अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ में शेयर करके इस वीडियो को बनाने के लिए मेरे हेल्प करते हैं, और बताते हैं कि उनके साथ में एग्जामिनेशन हॉल में क्या हुआ, किस टाइप से क्वेश्चन आया, वो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ में शेयर करते हैं। उसी बेसिक पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना के लेके आता हूँ। तो इन्हीं दोस्तों के हेल्प से मैं आप लोगों के लिए कुछ पहले भी वीडियोस बनाया हूँ। दोस्तों ये सारे वीडियोस आप देख रहे होंगे, अगर आपका भी प्रोफेशन इनमें से कुछ है और अगर आप टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार जरूर से देखिए, इंशाल्लाह आपको कुछ जानने को मिलेगा। इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो को दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का टॉपिक है दोस्तों व्हीकल एसी टेक्नीशियन। तो अगर आप भी व्हीकल एसी टेक्नीशियन है दोस्तों और अगर आप टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं तो आज का वीडियो पूरा देखिए, इंशाल्लाह आपको कुछ हेल्प मिलेगा एग्जाम देने के लिए। तो चलिए और देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज और आपका अपना चैनल राज टेक्निकल इन्फो में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो दोस्त पहली बार आए हमारे चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए रेड कलर बटन पर क्लिक करके मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, उसको नोटिफिकेशन ऑन कर लिए, ताकि मैं कोई भी आप लोगों के लिए इसी तरह की यूजफुल वीडियो बनाकर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आज का प्रोफेशन व्हीकल एसी टेक्नीशियन के बारे में। दोस्तों आज मैं आपको व्हीकल एसी टेक्नीशियन के बारे में कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ये सारे क्वेश्चन जो मेरे दोस्त ने मेरे साथ में शेयर किया है, का नाम है MD इरफान, जिन्होंने अभी टेस्ट देकर आया और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ में शेयर किया। तो इरफान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ में शेयर करने के लिए। और दोस्तों आज का वीडियो मैं इरफान भाई के हेल्प से आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। अगर आप भी अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ में शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, आप किसी भी मुझे कॉन्टेक्ट करके अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब मैं बताने वाला हूँ आपको थ्योरी टेस्ट के बारे में, कि आपको थ्योरी टेस्ट में किस तरह क्वेश्चन आ सकता है। आपको थ्योरी टेस्ट के लिए 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा दोस्तों। 30 मिनट्स में आपको 15 क्वेश्चन दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। 15 क्वेश्चन जो है आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब है एक क्वेश्चन रहेगा, उसका चार आंसर रहेगा। आपको जो सही आंसर लगता है उसको ऊपर आपको सिर्फ टिकॉट करना है। ओके दोस्तों, मैं अभी आपको सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा, उसका सही आंसर जो रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपके सामने इस तरह क्वेश्चन नहीं रहेगा दोस्तों, आपके सामने में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा है कि एक क्वेश्चन और उसका चार आंसर, जो सही आंसर रहेगा उसको आपको सिर्फ टिक लगाने का। तो जो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों उसका आंसर आप याद रखिएगा। अगर आपके सामने इस तरह क्वेश्चन आता है तो जो सही आंसर आएगा आपको सामने में सिर्फ टिक लगाने। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कि वो क्या क्या क्वेश्चन है जो आपके सामने आ सकता है। R134A का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? आंसर -16 डिग्री फारेनहाइट। प्रेशर डिस्चार्ज नली सक्शन नली की तुलना में कैसा होता है? आंसर छोटा। रेफ्रिजरेशन प्रणाली में TXV कहाँ स्थापित होता है? आंसर वाष्पीकरणकर्ता इनलेट और आउटलेट फिटिंग पर। नीचे दी गई छवियों में कंप्रेसर की पहचान करें। नीचे दी गई छवियों में एवोपरेटर की पहचान करें। कंडेंसर को रेडिएटर के आगे क्यों रखा जाता है? आंसर वाहन की गति और कूलिंग पंखे के संचालन से अधिकतम वायु प्रवाह प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। एवोपरेटर का क्या काम है? आंसर लिक्विड को वेपर में तब्दील करना। कंडेंसर का क्या काम है? आंसर वेपर को लिक्विड में तब्दील करना। नीचे दी गई छवियों में कंडेंसर पंखा की पहचान करें। सक्शन प्रेशर कितना होना चाहिए? आंसर 30 से 50 PSI। चार्ज प्रेशर कितना होना चाहिए? आंसर 150 PSI से अधिक।
ओके दोस्तों, ये था कुछ क्वेश्चन ऑटोमेटिव एसी टेक्नीशियन के बारे में जो मैंने इरफान भाई की हेल्प से मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चन आपको सेम टू सेम एग्जाम में मिले, हो सकता है कुछ सिमिलर रहे, हो सकता है कुछ डिफरेंट भी रहे, इसलिए आप भी अपने साथ तैयारी करके जाइए। ये नहीं कि जो मैंने आपको बताया आप सिर्फ उसी तैयारी करके आप चले जाए एग्जाम देने के लिए, ऐसा मत करिएगा। आप भी अपने हिसाब से तैयारी करते रहिए दोस्तों। जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया उसको आप एक हिंट समझ सकते हैं कि आपके सामने इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। दोस्तों, आप टेंशन मत लीजिए, अगर आपको अपना काम का बेसिक नॉलेज भी है तो आप आराम से पास कर सकते हैं, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना है या मन में किसी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, मैं आपका कमेंट जितना जल्दी हो सके आपको कमेंट करके मैं रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमको जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, और अभी तक हमें चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं हमेशा आप लोगों के लिए इस तरह का अपडेट लाता रहूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी किसी दूसरे वीडियो के साथ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।